आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत ने एक लंबे समय के बाद वापसी की है और पंत आईपीएल 2024 में अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इस बार आईपीएल में देखा गया कि पंत बहुत सी बार अपनी फिटनेस को लेकर परेशान होते रहते हैं। बहुत से मैचों में पंत के कंधों और पैर में दर्द होता रहता है, जिसकी वजह से पंत के हाथ से बैट छूटता रहता है। चोट के बाद ऋषभ पंत ने आईपीएल में वापसी जरूर की है, लेकिन अब भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या ऋषभ पंत सच में फिट है या फिर सिर्फ ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी फिटनेस दिखा रहे हैं। अगर ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी फिटनेस दिखा रहे हैं तो यह वर्ल्ड कप के लिए और टीम इंडिया के लिए भी हानिकारक होने वाला है और आने वाले समय में ऋषभ पंत को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब अगर बात करें कल के मैच के बारे में तो आईपीएल का सनराइजर्स मैच दिल्ली और केकेआर के बीच में खेला गया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, लेकिन दिल्ली के लिए इस मैच में बहुत ही खराब बैटिंग रही। दिल्ली के जो हीरो रहे जैक फ्रेजर, उसने भी इस मैच में कुछ नहीं किया। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने 20 बॉल में 6 रन की पारी खेली, लेकिन पंत भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए और अंतिम ओवरों में कुलदीप यादव ने आकर एक दो शॉट जमाए, जिसके कारण कुलदीप यादव ने 26 बॉल में 35 रन की पारी खेली और इसके चलते दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 153 का टारगेट खड़ा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको अपने वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार नहीं बोलता हूं, तो आप खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए केकेआर की ओर से फिन शार्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत करी। फिन शार्ट ने पहले ही 33 बॉल में 68 रन की पारी खेलकर केकेआर की तरफ यह मैच एक दफा मोड़ दिया और इसके बाद बचा हुआ काम सुनील नारायण और साथ ही सरे से और वेंकटेश अय्यर ने कर दिया, जिसके चलते केकेआर की टीम यह मैच 7 विकेट से जीत गई। साथ ही केकेआर के लिए इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।